के कासगंज में शराब माफिया मोती की दबंगई। वांटेड माफिया को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला। शराब माफियाओं ने बंधक बनाकर पुलिस वालों को बुरी तरह से पीटा। देवेंद्र नामक सिपाही की हुई मौत। खेतों में लहूलुहान हालत में मिले दारोगा अशोक। भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। सतपुरा थाना इलाके से नगला धीमर गांव का है पूरा मामला। कच्ची शराब बनाने के लिए कुख्यात है इलाका। पुलिस ने आरोपी शराब माफिया के तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया लेकिन नहीं मिली कामयाबी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया घटना का संज्ञान। मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देगी सरकार। शराब माफिया की हिमाकत पर एक्शन में सरकार। सीएम योगी ने घटना में संलिप्त लोगों पर एनएसए लगाने के दिए आदेश। पूरी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे सीएम योगी। दोषियों को पकड़ने के लिए चलेगा अभियान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इलाके के विधायक ममतेश शाक्य की मौके पर पहुंचे। कहा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में लेंगे हिस्सा। कल पश्चिम बंगाल के बीरभूम से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी। परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। आज तक से खास बातचीत में बोले दीदी को गुस्सा क्यों आता है। बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई है और उनकी उनके पाँव के नीचे से धरती खिसक चुकी है। इसलिए वो क्या आरोप लगा रही हैं, क्या बोल रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनके फ्रस्ट्रेशन को बताता है। आज सुबह पश्चिमी मिदनापुर में चाय पे चर्चा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जेपी नड्डा। दिलीप घोष भी साथ में रहेंगे मौजूद। रैली को संबोधित करते हुए खराब हुआ जेपी नड्डा का माइक। बोले मंच और माइक बदल सकता है लेकिन अटल है बीजेपी के इरादे। वीरभूम में ममता पर नड्डा का बड़ा हमला। बोले भ्रष्टाचार की जननी है टीएमसी। इस चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। वर्धमान के माटी उत्सव में शामिल हुई सीएम ममता बनर्जी। मंच से बीजेपी पर किया पलटवार बताया बाहरी पार्टी। बंगाल में चुनावी माहौल के बीच संसद में गूंजा टैगोर की कुर्सी पर बैठने का मसला। अमित शाह बोले उस कुर्सी पर मैं नहीं नेहरू बैठे थे। अमित शाह ने संसद में जारी की नेहरू और राजीव गांधी की तस्वीरें। अधीर रंजन चौधरी को दी नसीहत। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में चमोली हादसे की दी जानकारी। कहा अब घट गया है नदी का जलस्तर, आगे नहीं है गंभीर खतरा। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जलस्तर में भी कमी आ रही है। उत्तराखंड के चमोली हादसे में अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि। अब भी लापता है 197 लोग। तीसरा दिन खत्म होने के बाद भी दूर है उम्मीद की रोशनी। तपोवन टनल में जारी है जिंदगी की तलाश। आईटीबीपी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम टनल में कर रही है रेस्क्यू का काम। ड्रोन कैमरे की मदद से अभियान जारी। आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित रैनी और लाता गांव का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया दौरा। गायब लोगों के परिजनों से मुलाकात। चमोली में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। टिकी है केंद्र और राज्य सरकार की नजरें। 29 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं और उनमें से कुछ लोगों की पहचान भी हुई है। बाकी जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। तपोवन इलाके में जारी है मोबाइल सेवा बहाल करने की कोशिश। ड्रोन के लिए जा रही मदद। मृतों को राहत और खाना पहुंचाने में जुटे आईटीबीपी के जवान। तबाही के बाद से कई गांवों का कट चुका है संपर्क। कल राज्यसभा में भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चार सांसदों की विदाई के दौरान भर गया पीएम का गला। विदाई भाषण के दौरान कई बार छल के पीएम मोदी के आंसू। पानी पीकर भावनाओं को छिपाने की कोशिश। गुलाम नबी को किया सल्यूट। विदाई समारोह में पीएम मोदी ने जमकर की गुलाम नबी आजाद की तारीफ। बोले सत्ता आती जाती रहती है, अनुभव है असली पूंजी। पर सत्ता
जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना विधायक भाषण के दौरान पीएम मोदी ने किया 2007 की आतंकी घटना का जिक्र। उस वक्त जम्मू कश्मीर के सीएम थे गुलाम नबी आजाद। गुजराती टूरिस्टों पर हमले की घटना को याद कर गुलाम नबी आजाद भी हुए भावुक, बताया एयरपोर्ट पर छलक गए थे आंसू। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, शहर के लिए आए थे। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी पंडितों को याद करके सुनाया शेर, पीएम मोदी और अमित शाह से अपील। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज लोकसभा में पीएम मोदी का बयान, विपक्ष के आरोपों पर दे सकते हैं जवाब। पीएम के बयान के बाद बोलेंगे राहुल गांधी, लोकसभा में बजट पर बहस के दौरान रखेंगे अपनी बात। लोकसभा में ओवैसी ने सरकार पर किसानों पर जुल्म करने का लगाया आरोप, कहा जो तैयारी सीमा पर होनी चाहिए वो सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर है। सिमरत कौर ने लाल किला हिंसा को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा लाल किले पर हिंसा सरकार की नाकामी। सहारनपुर में किसान पंचायत में शामिल होंगे प्रियंका गांधी वाड्रा, पंचायत से पहले शकुंभरा देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया लाल किले हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू, कल करनाल से हुई थी गिरफ्तारी। कैलिफोर्निया से दोस्त अपलोड कर रही थी दीप सिद्धू के वीडियो, एजेंसियों की पकड़ से बचने की कोशिश। दिल्ली में शरद पवार से मिले तेजस्वी यादव, बताया औपचारिक मुलाकात। बिहार में नीतीश सरकार ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार, बीजेपी से 9 और जेडीयू से 8 शहरों को मिली जगह। नीतीश के मंत्री बने शाहनवाज हुसैन, उद्योग विभाग की देखेंगे जिम्मेदारी, सुशांत सिंह के भाई नीरज सिंह बबलू की बने मंत्री। शिवसेना के पूर्व सांसद और सिटी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आनंद राव से ईडी की पूछताछ, लेनदेन को लेकर सवाल जवाब। पंजाब नगर निगम चुनाव में खूनी झड़प, मोगा में अकाली कांग्रेसियों के बीच झगड़े में 2 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में एनसीबी जल्द फाइल करेगी चार्जशीट, ईडी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट एनसीबी को सौंपी। वडोदरा के एक अस्पताल में मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर्स की मारपीट, आरोपी गिरफ्तार। मारपीट के विरोध में वडोदरा के डॉक्टरों ने किया हड़ताल का ऐलान, कल गुरुवार को हड़ताल पर रहेंगे 3500 डॉक्टर। यूपी के चालौन में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत। पोखरझार पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक जंगल से सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। कोलकाता में नगर निगम के खिलाफ सियासी गुस्सा, कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को फिर जान से मारने की धमकी वाला ईमेल आया, ईमेल करने वाले का सुराग नहीं। वाराणसी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष को दबंग ने बुरी तरह से पीटा, वीडियो वायरल, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। अयोध्या में सुंदरीकरण के काम में बड़ी लापरवाही, नदी में बह गया राम की पैड़ी पर बना प्लेटफॉर्म। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में शिवरात्रि के बाद शुरू होगी श्रद्धालुओं की एंट्री, शयन आरती में मौजूद रहेंगे भक्त। देश में कम हुई कोरोना की स्पीड, पिछले 24 घंटे में सामने आए 9000 नए मामले, एक दिन में 78 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर दिल्ली के लिए राहत की खबर, करीब 10 महीने बाद वायरस से एक भी मौत नहीं, नए संक्रमितों की संख्या 100। यूपी में खुल जाएंगे 6वीं और 8वीं तक के स्कूल। गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली में शुरू की दूसरी जन रसोई, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। नहीं रहे फिल्म अभिनेता राजीव कपूर, 58 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। छिंदवाड़ा में सड़क दुर्घटना की तस्वीर कैमरे में कैद, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत।
गोपालगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत छात्र को किया बरामद, हथियार समेत 6 अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। बुलंदशहर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल। हरदोई में जमीन के लालच में बेटों ने पिता को मारी गोली, गंभीर हालत में लखनऊ में भर्ती। यूपी के रामपुर में 1 किलो ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली सटे नोएडा में करीब 18 लाख के नकली नोट बरामद, 2 लोगों को पुलिस ने दबोचा। सीकर जयपुर हाईवे पर एक कारोबारी की मौत के बाद बवाल, अतिक्रमण हटाने के विरोध में लोगों ने लगाया जाम। बाराबंकी में एसपी ने किया निरीक्षण, सुस्त पुलिसिंग को लेकर 4 पुलिसकर्मियों को लगाए थाने के चक्कर। कानपुर में नगर निगम कर्मचारी का घूस लेते वीडियो वायरल, नगर आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। ससराम में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल, गुस्साए गांव वालों ने सड़क पर लगाया जाम। हावड़ा में अज्ञात युवक युवती का शव बरामद होने से हड़कंप, युवक के शरीर पर मौजूद है चोट के निशान। सहारनपुर में 2 करोड़ कीमत का 1 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। रायबरेली में मामूली विवाद में 65 साल के बुजुर्ग की मौत, एक शख्स से हाथापाई के दौरान गई जान। थाने में अनवल डॉन एजाज लकड़वाला गिरफ्तार, 2 करोड़ की हफ्ता वसूली को लेकर पुलिस का एक्शन। कानपुर में राशन कम देने पर विवाद में 2 गुटों में मारपीट, पथराव में टूटी 4 गाड़ियां। चेन्नई टेस्ट में भारत की करारी हार, इंग्लैंड ने 227 रनों से दी मात, 192% टीम इंडिया की दूसरी पारी। दोहरा शतक जड़ने वाले कप्तान जो रूट चुने गए मैन ऑफ द मैच, दोनों पारी मिलाकर बनाए 258 रन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस पर भी पड़ी हार की मार, भारत पहले स्थान से 4थे स्थान पर लुढ़का। टेस्ट में कुलदीप को प्लेइंग 11 में जगह मिलनी मुश्किल, कप्तान विराट ने कहा नदीम जैसे ही गेंदबाज हैं कुलदीप, ना खेलने का कोई मलाल नहीं। टीम इंडिया के बॉडी लैंग्वेज से निराश हैं विराट कोहली, कहा पहली पारी में खिलाड़ियों ने नहीं दिखाया लड़ने का जज्बा। हफ्ते में 4 दिन से ज्यादा काम नहीं करेंगे कर्मचारी, 1 अप्रैल से मोदी सरकार बदल सकती है काम के घंटे और रिटायरमेंट के नियम। महंगे हो सकते हैं एलईडी बल्ब, सरकार के इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से कंपनियों पर बढ़ा दबाव। जीएसटी के विरोध में 26 फरवरी को व्यापारियों के भारत बंद का ऐलान, विरोध में 8 करोड़ से ज्यादा कारोबारियों के जुड़ने का दावा। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से अमेजन को लगा झटका, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के सौदे पर लगी रोक को हटाया। यामाहा ने लॉन्च किया FZ F1 और FZS FI के नए अवतार, 1,03,000 है शुरुआती कीमत। सोने के दाम में 495 रुपए की बढ़ोतरी, 47,559 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची कीमत। चांदी ने 99 रुपए गिरकर 68,391 रुपए प्रति किलो। 19 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 51,329 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी गिरावट के साथ बंद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की कार्रवाई, ट्रंप के वकीलों की दलील लोगों को दंगे के लिए नहीं भड़काया। ट्रंप के खिलाफ सीनेट ने किया वोट, महाभियोग को बताया संवैधानिक। 10,70,00,000 के पार पहुंची दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 23,37,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को बताया सुरक्षित, बोले लोगों की बची जान। के साओ पाउलो में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत, बुजुर्गों को गाड़ियों में ही लगाए जा रहे हैं टीके। जर्मनी में 105 साल की महिला को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन, टीका लगवाने के बाद खुश नजर आई एलिजाबेथ। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ जारी है लोगों का गुस्सा, 2 शहरों में लगाया गया कर्फ्यू। कामयाब हुआ संयुक्त अरब अमीरात का मिशन मंगल, मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा होप नाम का ऑर्बिटर।